गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एज सब्जेक्ट चैप्टर 5 नेचुरल डिजास्टर एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू कोविड 19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा था. या नेचुरल डिजास्टर यानी क्या होता है? तो डिजास्टर का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है प्रॉपर्टी और इंसान दोनों को ही. तो उसके बारे में हमने जाना था. और डिज़ास्टर के मैंने दो टाइप बताए थे, एक था नेचुरल डिज़ास्टर और दूसरा था मैनमेड डिज़ास्टर. और इसमें हमने क्या पढ़ा था, तो इसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था कृष्णा, जो एक दिन न्यूज़पेपर में जो है सुनामी की फ़ोटो देखता है और उसके बाद जो है वो अपने क्लास में जाके अपने टीचर को इसके बारे में पूछता है कि सुनामी किस तरह से आती है उसके बारे में. तो उसके सर जो है बाद में रिप्लाई देते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर के जो दो टाइप है, एक जो ज़मीन के अंदर होता है और दूसरा जो ज़मीन के ऊपर होता है. ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी. सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक कैसे आता है. तो उसमें स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है जो कहाँ पे होता है, तो धरती के अंदर. ठीक है, धरती के अंदर के सेंटर में जो है वाइब्रेशन पैदा होती है और वही वाइब्रेशन से जो है अर्थ का सरफेस हिलने लग जाता है, तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है. तो उसके बाद हमने उसकी इमेज के बारे में देखा था, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था और किस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ था वो हम इमेज से देख सकते थे. ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस से सेंटर कितना दूर है. तो लगभग जो है 6371 किलोमीटर से. उसके बाद हमने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा था. तो वॉल्केनो क्या है? तो वॉल्केनो जो है अर्थ का ऐसा एक ओपनिंग होता है जिसमें से लगातार जो है लावा का फ्रेगमेंट, एस, डस्ट और गैस जो है निकलता रहता है. ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि तीन टाइप के वॉल्केनो के बारे में, जिसमें से दो टाइप के वॉल्केनो के बारे में पहले हमने देखा था, जैसे डोरमेंट वॉल्केनो और एक्टिव वॉल्केनो. तो डोरमेंट वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जिसमें खाली गैस निकलती रहती है, मगर उसमें कोई भी टाइप की लावा ये सब चीज़ें नहीं निकलती. मगर एक्टिव वॉल्केनो में जो होता है ना कि लगातार यहाँ पे एक्सप्लोजन रहता है, यानी वहाँ पे धमाके होते रहते हैं और जिसमें लावा जो है ना सब जगह पे स्प्रेड होता है, ये बहुत जगह पे फैल जाता है. तो लावा जो है ना सब जगह पे फैलता है. तो हमने दो चीज़ के बारे में, दो वॉल्केनो के बारे में पढ़ा, पहला डोरमेंट वॉल्केनो और दूसरा एक्टिव वॉल्केनो. तो डोरमेंट वॉल्केनो यानी खाली गैस वाले वॉल्केनो होते हैं और एक्टिव वॉल्केनो जिसमें लगातार एक्सप्लोजन होते हैं लावा के. और उसके बाद हमने पढ़ा था कि वॉल्केनो कब इरप्शन कब होता है. तो उसके चार कारण हैं. तो सबसे पहले इंटीरियर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना, मैग्मा बनना, गैस और वेपर बनना, इसके अलावा मैग्मा जो है ना अर्थ की सरफेस तक आना. ठीक है, यानी ऊपर जैसे ही आता है उससे जो है वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है. उसके बाद हमने तीन टाइप के वॉल्केनो के बारे में पढ़ा था, पहले एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा डोरमेंट वॉल्केनो और तीसरा एक्सटिंग वॉल्केनो. तो एक्टिव वॉल्केनो और डोरमेंट वॉल्केनो के बारे में तो मैंने बता दिया, तीसरा जो है एक्सटिंग वॉल्केनो उसके बारे में बात करेंगे. तो एक्सटिंग वॉल्केनो क्या होता है? तो एक्सटिंग वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जिसमें कोई भी खतरा नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से बुझ चुका होता है और वो पूरी तरह से कूल हो चुका होता है. ठीक है, यानी उससे कोई भी खतरा नहीं होता. उसके बाद हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था. तो सुनामी का बात है, तो सुनामी दो तरीके से आ सकता है, एक तो वॉल्केनो इरप्शन और दूसरा अर्थक्वेक. ठीक है, जब भी समुद्र के अंदर कोई वॉल्केनो फटता है या तो अर्थक्वेक आता है, तभी बड़ी बड़ी लहरें बनती है और उसी बड़ी बड़ी लहरों को सुनामी कहा जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है, और ये लहरों के लेंथ बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 700 से लेकर 1600 किलोमीटर तक बोल सकते हैं. और एक बार जापान में जो है 11 मार्च को जो है ऐसी सुनामी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जो है फ्लड. फ्लड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो देखो, फ्लड जो है कब आता है, तो जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होती है और उससे सब नदी का पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, और नदी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो है ना पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है, और वही पानी जो है शहर और गांवों की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है. ठीक है, तो बाढ़ आने के दो कारण हैं. पहला कौन सा कारण है देखेंगे. पहला कारण है हैवी रेन इन द अपर
कोर्स ऑफ रिवर, और दूसरा इफ ए डैम ऑन रिवर ब्रेक्स फ्लड ओकर्स इन द लोई लाइंग एरिया ऑन द रिवर बैंक। तो देखो फ्लड आने के दो कारण, पहला बहुत ही तेज बारिश आना और उससे रिवर का पानी बढ़ जाना, दूसरा जो भी डैम रिवर के आसपास बना है वो डैम का टूट जाना और उसके वजह से पानी का बह जाना, यानी पानी बहुत ही ज़्यादा फोर्स में बहना, उसे फ्लड कहा जाता है। और ये फ्लड आने के दो कारण हैं। उसके आगे फेमाइन की बात करेंगे। फेमाइन यानी ड्रॉट होता है, यानी सूखापन। जब क्या होता है कि बहुत सालों तक अगर बारिश नहीं आती ना, एक दो साल अगर बारिश नहीं होता तो पूरी तरह से सब चीज़ें सूख जाती हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और वहाँ पे पानी हमको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे ही क्या बोला जाता है, फेमाइन और ड्रॉट दोनों चीज़ बोली जाती है, और इस समय पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। स्कैंडी रेनफॉल लीड टू द ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इस समय पे देखो क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, जब बहुत ही कम पानी आता है उसके वजह से क्या होता है कि खाने की कमी हो जाती है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फूड यानी स्कैंटी रेनफॉल लीड्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड और शॉर्टेज ऑफ फूड्स एंड वाटर। तो देखो कम रेनफॉल यानी कम बारिश होने के कारण जो है जितने भी ज़मीन होती है वो पूरी तरह से सूख जाती है और उसमें खाने और पीने की भी कमी हो जाती है, और ऐसे ही कंडीशन को क्या बोला जाता है, ऐसे कंडीशन को बोला जाता है फेमाइन यानी ड्रॉट, ठीक है। तो फेमाइन की कंडीशन कब ओकर होती है, जब बहुत ही कम बारिश हो या तो बारिश ही ना हो दो तीन साल तक, तब ये चीज़ें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फेमाइन की पॉसिबिलिटी यानी ड्रॉट होने की पॉसिबिलिटी कब कम होगी, जब ज़्यादा पेड़ उगाए जाए, ठीक है। यानी जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं ना वहाँ पे कभी भी पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि बरसात वहाँ पे लगातार आती रहती है, मगर जहाँ पानी पेड़ नहीं होते वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा सूखापन होता है। जैसे हम डेसर्ट एरियाज में देख सकते हैं, वहाँ पे हमको बहुत प्लांट्स देखने को नहीं मिलते, इसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है और इसी की वजह से हमको सब जगह पे सूखापन दिखता है, ठीक है। उसी तरह से ड्रॉट की बात करें तो ड्रॉट की सिचुएशन कब बनती है, जब कहीं पे बारिश बहुत ही कम हो या तो ना ही हो दो तीन साल तक, तभी ऐसी ड्रॉट की सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन का मीनिंग होता है कि बहुत तेज हवा जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज हो, उसे हम स्टॉर्म और वॉलविन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा साइक्लोन का दूसरा नाम भी है, तो देखो साइक्लोन का दूसरा नाम है टोर्नेडो और हरिकेन, जो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो अमेरिका में इसे टोर्नेडो कहा जाता है और हरिकेन कहा जाता है, और जापान में और चाइना में इसे टाइफून कहा जाता है। तो साइक्लोन के बहुत अलग अलग नाम है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ठीक है। तो साइक्लोन इंडिया में इस्तेमाल होता है, हरिकेन और टोर्नेडो अमेरिका में इस्तेमाल होता है, और टाइफून जो है जापान और चाइना में इस्तेमाल होता है। तो देखो साइक्लोन का मतलब होता है तेज हवा बहना और वो भी बहुत स्पीड में, उसे स्टॉर्म या तो व्हर्लविंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया में जो है बहुत बार साइक्लोन आता है, यानी बहुत बार ये बवंडर आते हैं हर साल, कहाँ पे, तो ज़्यादातर जो है उस कोस्टल एरिया में, यानी जहाँ पे पानी होता है और उसी किनारे में, यानी समुद्र किनारे या तो नदी किनारे पे ज़्यादातर ये साइक्लोन आते रहते हैं हर साल, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंस, तो ज़्यादातर जो साइक्लोन है वो कहाँ पे आता है, तो ईस्ट साइड पे, ठीक है, जैसे आसाम वेस्ट बंगाल इस जगह पे जो है ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है और समुद्र के वजह से ही जो है वहाँ पे तेज तेज हवा बहने लगती है और उससे साइक्लोन जैसी सिचुएशन बनती है। द एडजेसेंट रीजन्स ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन व्हेन इट इज़ एट हाई इंटेंसिटी। तो देखो ऐसे रीजन में भी हो सकता है, यानी जहाँ पे समुद्र या ऐसा कुछ ना हो मगर फिर भी वहाँ पे साइक्लोन आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन कब बनती है, जब बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो हवा की, तभी ये चीज़ें हो सकती है। हाउ एवर दीज विंड्स अफेक्ट ए लिमिटेड एरिया फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ऑनली,
तो देखो ये तेज हवा जो है छोटे सी जगह पे आती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मच जाती है, वो भी छोटे से टाइम पे, ठीक है, यानी कम समय में बहुत ही ज़्यादा तबाही ये चीज़ मचा देती है, यानी ऐसा डिजास्टर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है उस समय पे। तो यहाँ पे हम साइक्लोन के कुछ डायग्राम्स देख सकते हैं कि सॉरी साइक्लोन के कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जहाँ पे साइक्लोन आया था और वहाँ पे कितनी तबाही हुई। तो तुम देख सकते हो पहले घर के आसपास की जगह देखो जहाँ पे कितने सारे पेड़ गिर चुके हैं, और यहाँ पे रास्ते में भी देख सकते हैं कितने सारे पेड़ गिरे हैं, कितने सारे टेबल्स ये सब गिरे हुए हैं, और ये सब किसकी वजह से हुआ है, तो साइक्लोन की वजह से। यानी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि साइक्लोन में कितनी ज़्यादा पावर होती है और वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं साइक्लोन आने आते समय के पेड़ की हालत देखो किस तरह से दिख रही है, और साइक्लोन जाने के बाद कैसी हालत है, ठीक है। जब साइक्लोन आता है तब ऐसा इस साइड वाला सिचुएशन हमको देखने को मिलता है, और उसके बाद साइक्लोन हो जाने के बाद कितना ज़्यादा नुकसान होता है उसके बारे में हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे थिंग्स में क्या लिखा है, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन इफ द वार्निंग फॉर ए साइक्लोन इज गिवन। अगर तुम कोई साइक्लोन सिचुएशन में फंस गए, यानी जब साइक्लोन आने वाला है और गवर्नमेंट तुम्हें वार्न कर रही है कि साइक्लोन आने वाला है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे। तो अगर हमको पता होगा कि साइक्लोन आने वाला है तो हम सबसे पहले जो है कोई सेफ जगह ढूंढ लेंगे और उस जगह पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, नहीं तो क्या होगा जब साइक्लोन आ जाएगा तो वहाँ पे तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। तो हमारे जान को खतरा ना हो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने हमको वार्न किया है कि साइक्लोन आने वाला है तो सबसे पहले वो जगह को छोड़ के कोई अच्छे से सेफ जगह पर चले जाएंगे। उसके बाद है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर, तो देखो फॉरेस्ट में आग लगने के भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो है नेचुरली दो तरीके से हो सकता है, पहला बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने के कारण, और आसपास के जंगलों में जितने भी पेड़ और पौधे अगर सूखे होंगे तो उसमें आग लगने का खतरा रहता है, ठीक है। यानी एक तो ये, दूसरा फॉरेस्ट में आग लगने का दूसरा कारण है बिजली गिरना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आसमान में जो है ना बहुत ही तेज़ बिजली गिरती है, और वही बिजली जो है किसी जगह पे गिर जाएगी ना तो वो जगह जल जाएगी। जैसे समझ लो कोई ऐसी जलने वाली चीज़ पे अगर बिजली गिरी तो वो चीज़ पूरी तरह से जल जाएगी, और हवा के कारण क्या हो जाएगा, वो आग और भी ज़्यादा फैल जाएगा। तो हवा भी एक कारण है। तो पहला मैंने क्या बोला था, पहला जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी हो या फिर बिजली गिरे या फिर हवा के कारण, ठीक है। यानी छोटी सी अगर आग होगी तो उससे भी हो सकता है। फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉज फॉरेस्ट फायर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, दो ड्राई ट्रीज होते हैं ना, वो दो बीच उसके बीच में अगर कोई भी घिसारा होता है यानी फ्रिक्शन होता है तब जाके आग लगने की सिचुएशन हो सकती है। और आग जब भी आग लगती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है फॉरेस्ट रिसोर्स को, यानी फॉरेस्ट में जितने भी पाए जाने वाली चीज़ों को जो है नुकसान होता है, यानी फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। तो मैंने कुछ कारण बताए जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर आ सकता है। तो पहले मैंने क्या बोला, बहुत ही तेज़ गर्मी हो, दूसरा बिजली, तीसरा जो है हवा, और चौथा जो है ह्यूमन बींग के वजह से भी हो सकता है। जैसे कोई ह्यूमन बींग ने जो है स्मोकिंग किया हो और स्मोक करके जो है सिगरेट वहाँ फेंक दिया और उसके बाद विंड के वजह से जो है ना आग फैल जाती है, तो उसे भी फॉरेस्ट फायर में गिना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर। अब आता है लैंडस्लाइड की बात करेंगे। तो लैंडस्लाइड क्या है, यानी जमीन खिसकना, तो ये कब हो सकता है। तो देखो द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल सॉइल एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ द माउंटेन्स और क्लिफ्स इज नाउन एज टर्म एज लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड किसे बोला जाता है, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि माउंटेन की जो मिट्टी होती है वो खिसक जाती है और वो मिट्टी जो है ढह के नीचे आ जाती है। उसका मेन कारण क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो तभी ये चीज़ हो सकती है, या तो अर्थक्वेक, ठीक है। तो बारिश से कैसे है, तो देखो बारिश से क्या होता है कि कोई भी मिट्टी जो होती है ना वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, तो इसी तरह से मिट्टी जो होती है ना वो हार्ड से जो है स्मूथ हो जाती है, जिसकी वजह से पहाड़ की मिट्टी जो है ना नीचे की तरफ गिरने लगती है। दूसरा जो है
दूसरा कारण क्या है, तो अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में तो हमको पता है कि उसमें कितनी पावर होती है। तो अर्थक्वेक जब भी आता है तो वो क्या करता है, अलग अलग जमीन पे क्रैक्स पार देता है, और उसकी वजह से जो है उसकी वजह से जो है वहाँ की ज़मीन जो है नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोकन गेट ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द लैंडस्लाइड। तो देखो, रेनी सीजन के समय पे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कोंकण में एक रेलवे एक्सीडेंट की सिचुएशन बन चुकी थी जिसमें लैंडस्लाइड हुआ था। मेन कारण क्या था, लैंडस्लाइड। आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।